हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राना फ्रॉम ये चीज। और गाइस, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू विजिट बहरीन, हाउ यू कैन गेट ई वीजा एट होम। आप अपने घर बैठे ई वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं। सो बेसिकली जो बहरीन, बहुत से लोग जो हैं खासतौर पे हमारे पाकिस्तान और इंडिया से गल्फ कंट्रीज को विजिट करना चाहते हैं, तो मैं बताता चलूँ कि गल्फ कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं वो आपको ई वीजा अप्लाई करते हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया बोथ इक्वली एलिजिबल हैं टू अप्लाई। बहरीन के वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है, जिसमें हमें टोटल 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 इज़ योर वैलिड पासपोर्ट, 2nd 1 इज़ योर बैंक स्टेटमेंट, 3rd 1 इज़ योर फ्लाइट रिजर्वेशन, 4th 1 इज़ योर वैलिड क्रेडिट कार्ड, एंड द 5th 1 इज़ लैपटॉप विद अ वर्किंग इंटरनेट। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसके ऊपर इंटरनेट जा रहा। सो इन डॉक्यूमेंट्स में से जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट मींस कि आपका जो पासपोर्ट है वो इंटेंटेड डेट ऑफ ट्रैवल से नेक्स्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जनवरी 1st को ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट जो है वो मिनिमम जुलाई 30th तक उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। जो सेकेंड डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किया, डेट इज़ द बैंक स्टेटमेंट। आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बहरीनी दिनार 300 और इक्विवेलेंट अमाउंट का बैलेंस होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी रुपीस पे बात करें, तो बहरीनी दिनार आई थिंक सो इज कॉस्टिंग अस द 290 रुपीस नाउअडेज। इसका अगर एक्सचेंज रेट चेक करें तो उसके अकॉर्डिंगली 300 बहरीनी दिनार हमें अराउंड 190,000 के करीब पड़ेंगे। तो आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम 100,000 रुपीस अवेलेबल होने चाहिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, तो आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम 60,000 और 70,000, राउंड अबाउट 60 और 70,000 की अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए। द थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज अ फ्लाइट रिजर्वेशन। फ्लाइट रिजर्वेशन टॉक अबाउट कि आपके पास एक वैलिड रिटर्न टिकट होना चाहिए, जिससे आप कंट्री में इंटर और एग्जिट ऑन वैलिड डेट्स करें। फ्लाइट रिजर्वेशन आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाके वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाइट रिजर्वेशन कर सकता है। अदरवाइज आप घर बैठे भी फ्लाइट रिजर्व करवा सकते हैं। सो आई गोना टीच यू द मेथड एज वेल कि किस तरह आप फ्लाइट रिजर्वेशन घर बैठे बुकिंग करवा सकते हैं। द फोर्थ वन इज योर वैलिड क्रेडिट कार्ड। आपके पास वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिसके जरिए आप वीजा की जो है फी पे करेंगे। एंड द 5th वन वॉज अ वर्किंग लैपटॉप। And once you have all these mentioned documents, so we're gonna move towards the application process. मैं आपको पहले सिखाऊंगा how you can reserve a flight ticket, and then secondly, so how you can apply for a Bahrain visa. तो जी, सबसे पहले so we're gonna learn कि हम किस तरह online flight reservation करवा सकते हैं free of cost. So इसके लिए so let's go to the Google, type in Turkish airline. पता चलूँ कि टर्किश एयरलाइन इज़ द ओनली एयरलाइन सो फार जो आपको ऑनलाइन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट रिजर्वेशन करवाने की सहूलत प्रोवाइड करती है। दिस इज़ द मेन वेबसाइट ऑफ द टर्किश एयरलाइन। देन आई हैव टू पुट फ्रॉम विच एयरपोर्ट आई एम ट्रैवलिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लाहौर से ट्रैवल करूँ, तो आई एम मैंशनिंग द लामेकवाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द माई फाइनल डेस्टिनेशन इज़ बहरीन। इसके बाद आई हैव टू पुट द डेट्स I'm traveling on from 3rd to 10th of January next year, and then I have to click on OK. So once you have entered your travel information, click on continue. On the next page, it will ask your personal information, apna title, apna name, surname, and date of birth or frequency of travel, etc. आप enter करेंगे information, just put in your personal information into it. And then continue to payment. जैसे ही आप कंटिन्यू टू पेमेंट में आते हैं, तो ये आपको पेमेंट मेथड्स में डिफरेंट ऑप्शंस देता है। द लास्ट ऑप्शन इज रिजर्व दिस फ्लाइट एंड पे लेटर। क्लिक ऑन दिस एंड कंटिन्यू। और ये आपको फ्लाइट रिजर्व कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेटर ऑन आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं, किसी और एयरलाइंस के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर वीज़ा, सो दिस इज़ द गुड मेथड टू गेट अ फ्री एयर रिजर्वेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वीज़ा प्रोसेस।
for visa process, you guys have to go to the official website of Bahrain Embassy, is eVisa.gov.bh. So once you entered into the Bahrain Embassy website, left side pe aapko do options available hongi: apply for e-visa and check your e-visa. So click on apply for e-visa. The following page will talk about aap apni eligibility check kar sakte hain ki kaun kaun se visas ke liye aap eligible hain. Main aapko batata chalu ki Bahrain ka visit visa aapko 2 weeks, 1 month and up to 1 year tak available hota hai, which you can get online. So if you are applying from Pakistan, so definitely so you people have to mention the purpose of your trip. That could be business or tourism or investment, and then the detailed purpose and the nationality. Click on next. Yahan bhi aap dekh sakte hain ki if we are applying from Pakistan, means ke hamare paas Pakistani passport hai, so we are eligible for 2 weeks, 1 month and 90 days business visa. So for example, if I am applying for the 1 month visa and number of entries are the multiple, you can also apply for the single entry visa as well. Uske accordingly hi aapki fee charge ki jayegi, visa fee different hoti jayegi. Jitna aap extended visa ke liye apply karenge, utni visa fee jo hai wo zyada hogi. The next page, you guys need to add your passport number information, your nationality, your date of birth, your gender, country of birth and passport expiry date, along with your family name and given name and the expected occupation as well. So once you entered all the information, click on next. On the next page, you have to confirm your information so you need to re-add your passport number, your nationality, your date of birth and family name. Once you entered in, click next. And on the next page, you need to put your father full name again and a valid email address. Then click on next. After that, it will ask you to recheck your information. Ki aap apni information ko check kar lein jo aapne recently enter ki hai. If there is any error, then you guys can click on change button and move back to correct that particular piece of information. After verification, go to the next. On the next page, it will ask you to put the following details or to attach the following documents. Aapke paas air return ticket aapne attach karna hai aur apni passport ki photocopy attach karni hai. Then the third thing is hotel booking. Ye necessary nahi hai. If you have it, to then you can go for it. And if you don't have it, to don't worry about it. But the copy of bank statement is mandatory. Ye zaroor aapne apne application ke saath attach karni hai. Once you can attach by clicking on it. Once you attach these documents, then you need to click on next and you will be able to successfully submit your application. Or jaise hi aap application submit karwa denge, so mostly jo hai 24 to 72 hours ke darmiyan aapko visa jo hai wo email kar diya jata hai. Or otherwise aap apne visa ka status jo hai check your e-visa pe again check out kar sakte hain. Thank you so much for watching this video, and if you like this video, do like it, and we're gonna meet you soon in the next video.